أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم ما ضل صاحبكم وما غوى के साथ आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान मुकर्रर आखिरी मुकर्रर फजीलतुल शेख हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी बनारसी हफिज़हुल्लाह उस्ताद मदरसा अहयाउस्सुन्नाह बनारस से बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और यहाँ मौजूद सामईन और सामियात से खिताब फरमाएँ। शेख का मौजू है फितने इर्तिदाद, हालात हाजरा के तनाजुर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मौजूदा दौर फितनों का दौर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम और आप देखते रहते हैं जो हमारे ईमान के लिए, हमारे दीन के लिए खतरा है, और इस दौर की पेशिनगोई अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं। आप अपनी उम्मत को यह बता करके गए हैं कि फितनों का दौर आया। बुखारी की उस रिवायत को अपने सामने रखिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के टीले पर चढ़ते हैं और आप अपने सहाबा से कहते हैं, इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवाकिल कत्र। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने जन्म लेने वाले हैं। जिस तरीके से बारिश के कतरात और बारिश की बूंदें, जब बारिश होती है तुम्हारे घरों में दाखिल होती है, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हैं। और एक हदीस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फितनों की बात आई तो हमें और आपको अमल करने के मामले में सबकत का हुक्म दिया कि जब फितनों का दौर आ जाए तो फिर सुस्ती और काहिली का रास्ता छोड़ दो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नेकी के अमल करो, अमल साले करो, इसके पहले कि कोई फितना तुम्हें अपनी लपेट ले। बादिरु बिला माल फितनन तक्त इल्लैल मुस्लिम, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अमल करने में जल्दी करो, सबकत करो, इसके पहले के फितनों का दौर आ जाए। इस कदर फितने पैदा हो जाएं, इस कदर फितने पैदा हो जाएं कि तुतइल लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात के अंदर कुछ नजर नहीं आता। अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे, सच्चा दीन, सही दीन तुमको नजर नहीं आएगा, सही रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे। युस्बिहु रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, सुबह को इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, वो अपने दीन का सौदा कर लेगा चंद टकों के बदले, दुनिया की थोड़ी सी दौलत के बदले अपने दीन को बेच डालेगा। ईमान की वैलिडिटी इस कदर कम हो जाएगी कि सुबह से लेकर शाम तक भी ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा गारंटी। और ईमान इसलिए लोग नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि जान का खतरा है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि बहुत जबरदस्त उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बल्कि दुनिया के चंद टकों के बदले और मफाद के बदले लोग अपने दीन का सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की यह हदीस, आज इस उम्मत के हालात को आप देखिए, बिल्कुल सटीक साबित होती नजर आ रही है। आज इस उम्मत के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान मर्द भी और मुसलमान लड़कियां भी मुर्तद हो गई। इस दौर के फितनों में बहुत बड़ा फितना इर्तिदाद का फितना है। एक मुसलमान जो इस्लामी घराने में पैदा होता है, मुसलमान घराने में पैदा होता है, इस्लाम को फॉलो करता है और फिर किसी वजह से
वो इस्लाम से फिर जाता है, इस्लाम से हट जाता है, मुर्तद हो जाता है। और आज इस तरीके के केस हजारों नहीं लाखों की तादाद। क्या ये उम्मत के लिए फितना नहीं? याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम के दुश्मनों का हर दौर में यही मिशन रहा है कि मुसलमान इस्लाम से हट जाए, मुर्तद हो जाए, या इस्लाम मुसलमान ऐसा हो जाए कि बजाहिर मुसलमान रहे, उसका अकीदा शिरकिया कर दिया जाए, उसका अकीदा कुफरिया कर दिया जाए, जाहिर में वो मुसलमान हो लेकिन अकीदे के एतबार से, नजरिए के एतबार से, कॉन्सेप्ट के एतबार से मुसलमान मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए। हर दौर में इस्लाम के दुश्मनों का यही मिशन था। कुरान करीम 1400 साल पहले ऐलान करता है, आपसे राजी नहीं हो सकते, ए मुसलमानों ये यहूदी तुमसे खुश नहीं हो सकते, ये नसारा तुमसे खुश नहीं हो सकते, हत्ता तत्तबी मिल्लतहुम, जब तक तुम इस्लाम को छोड़ करके उनके दीन पर चलने लगो न लगो, उनके तरीके पर तुम चलने न लगो, जब तक तुम मुर्तद न हो जाओ, तब तक ये इनकी कोशिश यही है कि तुम मुर्तद हो जाओ। इस्लाम के दुश्मनों का एक ही मिशन है कि वो हमें और आपको मुर्तद कैसे करे। कुरान करीम का दूसरा पारा उठाओ, वला यजालून युकातिलून तुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, ए ईमान वालो, ये काफिर ये मुशरिक तुमसे क्यों जंग करते हैं, तुमसे क्यों लड़ाई करते हैं, ये तो यही चाहते हैं तुम तौहीद से हट जाओ, तुम इस्लाम से हट जाओ, तुम अपने दीन से हट जाओ, तुम मुर्तद हो जाओ। लेकिन कान खोल करके सुन लो, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में दाखिल हो जाए, जो इस्लाम से हट जाए और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए, कुफर की हालत में उसकी मौत हो जाए, उसके सारे के सारे आमाल दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद। वह उलाइका असहाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, और ऐसे लोग जहन्नम के अंदर हमेशा रहने वाले। आज वह हालात अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, और मुसलमान इस कदर अपने दीन को लेकर के बेजार हो चुका है कि दीन की गैरत नाम की कोई चीज नहीं बची। एक होती है ना, एक होती औरत वाली गैरत, मेरी बीवी को कोई और ना देखे, मेरी बेटी पर किसी की नजर ना पड़े, ये होती है औरत को लेकर के गैरत। एक होती है ईमानी गैरत, मेरे दीन पर हमला हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मेरे नबी की जात पर हमला हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कुरान को जलाया जा रहा है मैं क्या कर रहा हूं। आप यकीन करेंगे, जो मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, ऐसे भी केस आए हैं कि लड़की मुर्तद हो गई, उस गैर मुस्लिम के साथ उसने शादी कर ली, उसके मजहब में दाखिल हो गई, और वो गैर मुस्लिम कल तक उस मुसलमान, जो लड़की मुसलमान थी और आज मुर्तद हो चुकी है, उस लड़की के साथ बदकारी करता है और बदकारी के अमल के दौरान अल्लाह को गाली देता है, रसूल को गाली देता है, कुरान को गाली देता है। ईमानी गैरत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मौजूदा हालात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू दाऊद की सही रिवायत है, ओ लोगों, एक जमाना ऐसा आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जैसे दस्तरखान लगाओ और कुछ लोग दस्तरखान पे खाना खा रहे हो और कुछ लोग वेटिंग में खड़े हो, और खाना खाने वाले वेटिंग वालों को बुला रहे हो कि हम खा जाए तो तुम आकर के बैठ जाओ, मुसलमानों तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें कुचलने के लिए, तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने के लिए कंपटीशन होने लगेगा,
लगेगा, मुकाबला होने लगेगा, दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। सहाबा ने पूछा अमीन किल्लतिन नहनु यौमैज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, क्या हम संख्या में तादाद में अदद में कम होंगे? आपने फरमाया नहीं नहीं, बल अंतुम यौमैज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस्सैल, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, तुम पानी के बुलबुलों की तरह हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को हटा देगा, तुम्हारी हैबत को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा वमलवानु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी कौन सी कमजोरी अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल देगा? आपने फरमाया हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से बहुत ज्यादा कराहियत करने लगोगे। वो हालात आज हमारे हो गया, मुसलमान आज मुर्तद हो रहा है। जानते हो मुर्तद का अंजाम क्या है? और कोई अगर मुर्तद हो जाए तो क्या अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज भी अगर सारे मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत में, उसकी शान में, उसकी रुबूबियत में, उसकी कुदरत में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह ने फरमाया सूरह मायदा की आयत नंबर 54 में या अय्युहल्लज़ीन आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, ऐ ईमान वालो अगर कोई अल्लाह के दीन से मुर्तद हो जाए, अगर कोई अल्लाह के दीन को छोड़ दे, कोई इस्लाम के अंदर आने के बाद इस्लाम को छोड़ दे, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा कर देगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा कर देगा जो ईमान वालों से बड़ी मोहब्बत करेंगे और अल्लाह के दुश्मनों से बड़ी नफरत करेंगे, बड़े सख्त होंगे, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे, वो अल्लाह की राह में कुर्बानियां भी देंगे, वला यखाफूना लौमत लाइम, और किसी की मलामत से नहीं डरेंगे। कौन क्या बोल रहा है? नहीं डरेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुर्तद होने से, हमारी कौम की बेटियों के मुर्तद होने से माफ कीजिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी लौ लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन्नात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले सारे इंसान, सारे जिन्नात, सबके सब अगर बड़े मुत्तकी हो जाएं, बड़े परहेजगार हो जाएं, बड़े अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तब भी अल्लाह की हुकूमत में कोई इजाफा नहीं होने वाला, कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, और सारे के सारे अगर नाफरमान हो जाएं, गुनहगार हो जाएं, अल्लाह के बागी बन जाएं, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल पैदा हो, अगर इस्लामी हुकूमत है और कोई मुर्तद हो जाए तो जानते हो इस्लामी हुकूमत में मुर्तद की सजा क्या है? सजाए मौत। इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुर्तद हो जाए तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग उसकी सजा सजाए मौत है। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बदल दीनहु फक्तुलूहु, जो अपने दीन को बदल दे, जो इस्लाम में आने के बाद मुर्तद हो जाए उसको कत्ल कर दो।
बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यहिल्लु दमु इम्रिन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। जो इंसान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जो इस बात की गवाही देता है उसकी जान लेना जायज नहीं है, उसका खून बहाना जायज नहीं है। इल्ला बि इहदा सलास, हाँ तीन सिचुएशन ऐसी है, तीन हालत ऐसी है कि मुसलमान भी अगर वो तीन काम करेगा तो उसका खून बहाया जाएगा। अस्सय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर ज़िना करता है, मर्द हो चाहे औरत, सजा क्या है? सजाए मौत। शादीशुदा ज़ानी नंबर दो, अन्नफ्सु बिन्नफ्स, जान के बदले जान। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो किसास के तौर पर उसको भी कत्ल किया जाएगा। और तीसरी चीज, और अल्लाह के दीन को छोड़ देने वाला, मुर्तद हो जाने वाला और जमात से निकल जाने वाला, ऐसे मुर्तद को भी सजाए मौत दी जाए। सवाल ये पैदा होता है भाई, इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा इतनी सख्त क्यों है? भाई सबको आजादी होनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान है वो ईसाई बनना चाहता है, वो क्रिश्चियन बनना चाहता है, वो यहूदी बनना चाहता है, कोई और मजहब में दाखिल होना चाहता है, तो इस्लाम इतना सख्त क्यों है? सजाए मौत क्यों दे रहा है? क्या इस्लाम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस पर पाबंदी लगा रहा है? इस्लाम के अंदर इख्तियार राय की आजादी नहीं है? अपनी राय, अपना अकीदा, अपना नजरिया रखने की आजादी नहीं है? आजादी है। इस्लाम ही तो यह भी कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को तलवार की नोक पर आप कलमा नहीं पढ़वा सकते। वो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल में इस्लाम कभी भी तलवार के जरिए न फैला है न फैल सकता है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से कलमा पढ़वा दीजिए, और कलमा पढ़वा ले तो इस्लाम की नजर में उस कलमे की कोई हैसियत नहीं। अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है, और दिल जो होते हैं ना, वो तलवार से नहीं जीते जा सकते, तलवार से जिस्म जीते जा सकते, दिल नहीं जीते जा सकते। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हां, पूरी आजादी है आपको किसी भी मजहब पर आप अमल करें, लेकिन जब आपने सोच समझ करके, छानबीन करके इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हैं आप, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो अब इस्लाम यह कहता है कि अब इस्लाम के से निकलने की इजाजत नहीं। जब तक आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तब पूरी आजादी थी आपको, अब आपने इस्लाम कबूल कर लिया सोच विचार के, अब आप अगर मुर्तद होंगे तो इस्लामी हुकूमत के अंदर सजाए मौत। इतना ही नहीं, जो मुर्तद हो जाए, बीवी अगर मुसलमान है, निकाह खत्म, बीवी के साथ वो नहीं रह सकता। कोई मुर्तद हो जाए, बाप मुसलमान है, मुसलमान बाप की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं हो सकता। वो अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि उसकी दुनिया भी बर्बाद, मुर्तद की दुनिया भी बर्बाद, आखिरत तो गई उसकी, बर्बाद हो गया, दुनिया भी उसकी बर्बाद है, और दुनिया में बहुत सारे मुर्तद, दीन का अंजाम बहुत बुरा हुआ। अल्लाह के नबी के दौर में एक ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ, पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे लोगों को अल्लाह के नबी उनकी उनके टैलेंट के हिसाब से काम देते थे। अल्लाह के नबी ने देखा पढ़ा लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयतों को लिखने का उसे काम दे दिया। कुछ दिन तक उसने कुरान की आयतों को लिखा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा फिर से ईसाई हो गया। और जब वो मुर्तद हो गया तो अपनी कौम में जाकर के कहने लगा मा यदरी मोहम्मद इल्ला मा कतबतु लहू, अरे मोहम्मद को तो उतना ही पता है जितना मैंने लिख करके दिया है, उससे ज्यादा मोहम्मद को कुछ नहीं आता। देखिए, एक तो मुर्तद है और दूसरे नबी का गुस्ताख भी है, नबी के बारे में कितनी गलत बात बोल रहा है, कह रहे मोहम्मद को तो उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। बुखारी के अल्फाज हैं,
उसकी कौम के लोग जमीन में कब्र खोदते हैं, उसको दफन करते हैं, अपने कब्रस्तान में ले जाकर के दफन करते हैं, रात में दफन करते हैं। जब सुबह होती है लफजत हुल अर्ज़, जमीन ने उसकी बॉडी को बाहर फेंक दिया, उसकी डेड बॉडी जमीन के बाहर पड़ी थी। कौम के लोग आए, देखा इसकी बॉडी बाहर पड़ी है, कहने लगे ये मोहम्मद और उनके साथियों को छोड़ करके आया है, उन्होंने बदला लिया है, उन्होंने हमारे साथी की कब्र के अंदर से इसको निकाला है। उन्होंने और गहरी कदर कब्र खोदी और गहरी कब्र खोद करके उसको कब्र में डाला, रात में कब्र में डाला। अगले दिन सुबह फिर क्या देखते हैं, फिर उसकी उसकी बॉडी को जमीन में फेंक दिया है, जमीन के बाहर कब्र के बाहर पड़ी है। तीन दिन तक लगातार ऐसा होता है, जब तीसरा दिन भी ऐसा आया वो समझ गए ये मोहम्मद के साथियों का काम नहीं है, ये इंसानों का काम नहीं है, इसकी बॉडी को जमीन कबूल नहीं कर रही है, इस मुर्तद की, इस नबी के गुस्ताख की बॉडी को जमीन कबूल नहीं कर रही है। फअल्कौहु, उसने उन लोगों ने बगैर दफन किए उसको ऐसे ही फेंक दिया, मुर्तद की बॉडी को जमीन ने कबूल नहीं किया। तो मुर्तद का अंजाम बहुत बुरा होता है। अच्छा, इर्तिदाद की एक किस्म यह भी होती है, इल्हाद। इल्हाद किसको कहते हैं? बजाहिर आदमी कहता है मैं मुसलमान हूं, कुरान को मानता हूं, लेकिन कब्र के अजाब को नहीं मानता। मैं कुरान को मानता हूं, फरिश्तों को नहीं मानता। मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, मगर यार ये जानवरों की कुर्बानी ठीक नहीं है, ये बड़ा बेकसूरों का खून बह रहा है, इसको कहते हैं इल्हाद। ये भी इर्तिदाद की एक किस्म है। इल्हाद जिसके अंदर होता है ना, उसका मामला ये होता है कि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो इस्लाम का मुकम्मल इनकार नहीं करता है, इस्लाम के किसी एक पिलर का इनकार करता है, इस्लाम के किसी एक शरीयत का किसी एक हुक्म का इनकार करता है, या शरीयत की मनमानी तावील करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला यक्फूना अलैना, जो लोग हमारी आयतों के अंदर इल्हाद करते हैं, हमारी आयतों की मनमानी एक्सप्लेनेशन करते हैं, मनमानी तशरीह करते हैं, हमारी शरीयत की अपनी मनमानी उसका मतलब बयान करते हैं, ला यक्फूना अलैना, वो हमसे छुप नहीं सकते। अफमन युल्का फिन्नारी खैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामा, ओ लोगो जो इंसान जहन्नम में डाला जाएगा क्या वो बेहतर है, या वो बेहतर है जो कयामत के दिन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल अमन और चैन के साथ रहेगा। तुम गौर करके बताओ कौन बेहतर है। ए मलूमाशी, तुम्हारा जो मन है तुम अमल करो, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल पर नजर रखे हुए। तो जो लोग मुल्हिद हैं आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, बहुत सारे हमारे नौजवान, उनके अंदर इल्हाद भी पनप रहा है, हमारे बहुत सारे नौजवान मुल्हिद भी हो रहे। और लड़कियों का तो क्या क्या, आप यकीन नहीं करेंगे, मदरसा बोर्ड का एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, बनारस में जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं उसमें लेडीज का भी शोभा है, लड़कियों का भी शोभा है। आज हमारे मदरसे के एक सीनियर टीचर ने बताया, जब वो लड़कियों का वाइवा लेने गए, कितनी लड़कियां हैं जिनको इस्लाम की बेसिक नॉलेज है। एक लड़की से सवाल किया कि अल्लाह का कोई और नाम बताओ, नहीं पता भाई। एक लड़की से पूछा गया कि अल्लामा इकबाल कहां पैदा हुए, नहीं बता पाए। छोटी छोटी दुआओं का मतलब पूछा गया, नहीं बता पाए। ये हमारी कौम की वो बेटियां हैं जिनके मां बाप उन्हें मदरसे भेज रहे हैं, जहां ये सोच करके भेजा जा रहा है भाई ये वहां दीन सीख रही है। अब ये सोचो कि जो लड़की जिंदगी में मदरसों में भी नहीं गई, स्कूलों में पढ़ी, कॉलेजों में पढ़ी, उन लड़कियों का क्या हाल होगा। आज हमारी कौम की लड़कियां दीन से बिल्कुल नाबालिग है मेरे, और फिर उन लड़कियों में बड़ी तादाद गैरों के साथ इश्क और मोहब्बत का मामला होता है, फिर उनके साथ शादी करते हैं। कुरान करीम बड़े साफ अल्फाज में ऐलान करता है,
वला तंकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना। ऐ मुसलमानों, तुम किसी मुशरिक औरत से शादी नहीं कर सकते जब तक वो इस्लाम न ले आए। वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। एक मुसलमान लौंडी वो बेहतर एक मुशरिक औरत के मुकाबले में, अगरचे वो मुशरिक औरत तुमको अच्छी लगे। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु। और ऐ मुसलमानों, अपनी लड़की की शादी कभी किसी मुशरिक से न करना जब तक वो ईमान न ले आए, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। तुम्हारी लड़कियों के लिए मुसलमान गुलाम बेहतर है, लेकिन मुशरिक आजाद मर्द बेहतर नहीं है। उलाइक यदउन इलन नार वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज्निही। ओ लोगों, जो मुशरिकों के साथ तुम्हारी लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं, जो लोग मुशरिक औरतों के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, वो जहन्नम की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मुसलमान लड़की का किसी गैर मुस्लिम से निकाह हो ही नहीं सकता। आज कितने घरों में, यानी दीन का इतना शऊर भी नहीं है कि लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ अफेयर करती है और बाप बड़े शौक से अपने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम के साथ करता है। आज हाई क्लास फैमिलीज में यह बात आम है और अब धीरे धीरे हर जगह ये केस आने लगे हैं, आम होता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये मुसलमान लड़कियां क्यों ऐसा कर रही हैं? क्यों इर्तिदाद की लहर पैदा हो रही है? इसके असबाब क्या है? इसके रीजन क्या है? इसका सबसे पहला जो सबब मुझे समझ में आता है वो जानते हैं क्या है? वालिदैन की लापरवाही। बच्चों का अकीदा बनाने में भी और बच्चों का अकीदा बिगाड़ने में भी वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने वो हदीस नहीं सुनी अल्लाह के नबी की? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानही व युनस्सिरानही व युमज्जिसानही। माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं। अल्लाह के नबी ने डायरेक्ट बच्चे के अकीदे को चेंज करने वाला माँ बाप को करार दिया। माँ बाप बहुत बड़ा असर डालते हैं बच्चों की तरबियत के। जिस घर में बाप को पता ना हो कि तौहीद किस चीज का नाम, जिस मां को यह पता ना हो कि ईमान की अहमियत क्या है, उस घर के बच्चे और बच्चियां क्या ईमान की अहमियत को समझेंगे? मेरे भाई, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। मेरे भाई, अभी हमारे अजीज दोस्त शेख सरफराज फैजी साहब तकरीर कर रहे थे कि आज हमारे बच्चों को कार्टून पसंद है, बाप पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि कार्टून बाप के मुकाबले में ज्यादा टाइम दे रहा है। हमारा मोबाइल हमारे हमसे ज्यादा हमारा मोबाइल हमारे बच्चों को टाइम दे रहा है, तो बच्चे जाहिर है मोबाइल मोबाइल से ज्यादा घुले मिले, हमसे कम घुले मिले। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्फाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम वल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत हुआ बम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो मेरे भाई, और वक्त जिन लोगों ने निकाला है। अभी कल मेरा प्रोग्राम था इलाहाबाद में, मुवैमा में एक डॉक्टर साहब की मेरी दावत थी। उनका 4 साल का बच्चा पूरा अम्मा पारा उसको याद है। 4 साल के बच्चे को पूरा 30वां पारा याद है, और एक बच्चा 3 साल का था उसको पूरी सूरह मुल्क याद है। माँ बाप ने घर का माहौल ऐसा बनाया, घर में मोबाइल में टीवी पे कुरान की तिलावत हो रही है, बच्चे ने सुन करके याद किया। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये आप देख लीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को अकीदा सिखाया है, तौहीद सिखाई है, आपकी बेटी कहीं चली जाए उसकी तौहीद को कोई टस से मस नहीं कर सकता। हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं? वइज قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क ना करना, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को सबसे पहले तौहीद सिखाई।
आज मुसलमान लड़की नकाब में निकल रही है। और यहां एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जो आजकल बड़े एक्टिव हैं इस मामले में, वो क्या कर रहे हैं? अब कोई नकाब वाली लड़की जा रही है, साथ में जो लड़का जा रहा है बजाहिर ऐसा लग रहा है वो गैर मुस्लिम है, अब ये क्या करने लगते हैं? उसका वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बनाते हैं, कभी कभी उसका नकाब पकड़ के खींच लेते हैं, लड़के के साथ बदतमीजी करते हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है मेरे भाई, इससे आप अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इस तरीके के मामलात में अगर मामला पुलिस तक गया, कोर्ट कचहरी तक गया, तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो कितने केस में ऐसा हो रहा है कि जो लड़के ऐसा कर रहे हैं फिर उनके खिलाफ केस हो रहा है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उनका कोई पुरसा निहाल नहीं होता और इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। आप इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर अगर बहुत ज्यादा फैला रहे हैं तो इससे आवाम जागरूक नहीं हो रही है, इससे और लोगों के दिल में यानी एक चीज की और ज्यादा हैबत पैदा हो रही है। किसी चीज को उसके हजम से ज्यादा, उसके साइज से ज्यादा अहमियत देना। अगर ये केस 100 हो रहा है तो आज हजारों की तादाद में लोग समझ रहे हो रहा है, लोग उसको जरूरत से ज्यादा समझ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियों की हिम्मत भी खुल रही है, अच्छा ऐसा हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये वीडियोस वगैरह वायरल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो आज हमारी कौम की लड़कियां नकाब में निकल रही है और नकाब में वो किसी होटल में किसी गैर के साथ जा रही है, ये क्या शर्म की बात है भाई? नकाब उसने लगाया, उस नकाब का मकसद उसने नहीं समझा। हमने अपनी बच्चियों को नकाब तो पहना दिया लेकिन नकाब का मकसद नहीं बताया कि नकाब क्यों पहनती है। नकाब ये इसलिए तो नहीं पहनती है कि तू आजमगढ़ की और चांद पार की रहने वाली है, मुसलमान घर की लड़की है, तू नकाब में निकलती है, ये मकसद नहीं है नकाब का। नकाब तेरी आइडेंटिटी है, ये नकाब तेरी पहचान है, ये नकाब दुनिया को ये बताता है कि तू बाइज्जत घराने की है, तू इस्लाम को फॉलो करने वाली है और तेरी इज्जत पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में जब पर्दे का हुक्म देता है क्या फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मोमिन औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिलबाब डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, ज़ालिका अदना अय्युरफना फला यूदैन, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा और दुनिया समझ जाएगी हम इसको छेड़ नहीं सकते, हम इसकी आबरू के ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो बच्चों को आप बता रहे हैं सच बोलो, इतना बता देना काफी नहीं है, गुनाह से रोक देना काफी नहीं है, गुनाह का डर पैदा करो अपने बच्चों के अंदर, अल्लाह का डर पैदा करो अपने बच्चों के अंदर। हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं, या बुनैया इन्हा इंतकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्ला, ऐ मेरे बच्चे अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की ऊपर नजर रखने वाला है। तो मेरे भाइयों अपनी बच्चियों की तरबियत पर तवज्जो। और एक बात बोलता हूं मैं, औलाद को मोहब्बत दो मेरे भाई, बेटों को भी मोहब्बत दो, बेटियों को भी मोहब्बत दो। आज ये गैरों के साथ फरार होने वाली लड़कियां इसलिए भी फरार हो रही हैं क्योंकि उनके घर से उनको मोहब्बत नहीं मिली। कभी बाप ने मोहब्बत से बात नहीं की, कभी माँ ने मोहब्बत से बात नहीं की, कभी भाई ने उसकी किसी खूबी की तारीफ नहीं की, कभी बहन ने उसकी किसी खूबी की तारीफ नहीं की। अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को मोहब्बत से पालो, उनकी खूबियों पर उनकी तारीफ करो। अगर आपने ये चीज नहीं की
तो वो जो प्लानिंग करके बैठा है मोहब्बत और प्यार का जाल बना करके बैठा है, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और अपने तारीफी जुमलों से बड़ी आसानी से उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेगा, जिस लड़की को उसके घर में कभी किसी खूबी पर तारीफी जुमला सुनने को नहीं मिला, कभी मोहब्बत। अभी आपने सुना अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते, बेटियों से प्यार करना नबी की निशानी है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी, जब हजरत फातिमा घर में आती थी, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी खड़े हो जाते थे अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए, आप खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी को गले लगाते थे, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अल्लाह के नबी अपनी बेटी को बिठाते थे, इतनी इज्जत देते थे, इतना सम्मान देते थे। बेटियों को मोहब्बत दीजिए, लेकिन हाँ मोहब्बत के साथ आप नजर भी रखें, कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है। हम फट से कह देते साहब हमें भरोसा है, ये जो हजारों की तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हुई हैं, गैरों के साथ फरार हुई हैं, इनके मां बाप को भी इनके ऊपर अंधा भरोसा था। भरोसे का मतलब यह नहीं है कि आप तरबियत न करें, आप नजर न रखें, आप निगरानी न रखें। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बच्चियों की वैसे तरबियत करो जैसे हजरत जकरिया ने हजरत मरियम की थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, मस्जिद में रहा करते थे, मेहराब में रहा करते थे, वहीं पर हजरत मरियम उनकी परवरिश में रहा करती थी। हजरत जकरिया जब बाहर से आते थे तो देखते थे कि मरियम के पास बगैर मौसम का फल रखा हुआ है। कुरान करीम बयान करता है, कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया अल-महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकि हाज़ा। हजरत जकरिया सवाल करते थे, ऐ मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया, ऐ मरियम तेरे पास बेमौसम का फल कहां से आया। قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب। मरियम कहती थी, ऐ खालू जान, ऐ जकरिया अलैहिस्सलाम, ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है। आपने बेटी को 10,000 का मोबाइल दिया, उसके पास आईफोन कैसे आ गया? 500 का पर्स आपने दिलाया, 2,000 का पर्स कहां से आ गया? कॉलेज की छुट्टी 4 बजे हुई, वो 7 बजे घर क्यों आ रही है? ये आपका फर्ज है मेरे भाई पूछना, ये नजर रखना आपका काम है। आप भरोसे के नाम पर ये आजादी न दें। और आज सोशल मीडिया का दौर है, जिस घर से लड़की पर्दे में निकलती है, जिस घर में मजाल नहीं है कोई गैर महरम मर्द दाखिल हो जाए, आज उस घर में भी जिना की आहट पहुंच चुकी है और उस घर में भी जिना की दस्तक पहुंच चुकी है सोशल मीडिया के जरिए। इंस्टाग्राम पर आपकी बेटी की आईडी है, फेसबुक पर आपकी बेटी की आईडी है, और कोई आता है शैतान जिसके दिल में बैठा हुआ है, आपकी बेटी के इनबॉक्स में आता है और कहता है मेरा नाम फला है, मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं। और ये लड़की जो खुद इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती, जिसके मुफ्तियों ने फतवा दे के रखा है कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, इसकी मस्जिद में जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम नहीं, जिसने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, इमाम का खुतबा नहीं सुना, दीन की कोई नॉलेज नहीं है, फेसबुक पर किसी गैर मुस्लिम ने जब पूछा कि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं, तो ये बेचारी फट से इस्लाम की बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन गई और बहुत बड़ी तबलीग करने वाली। खबरदार, कोई भी अगर आपके इनबॉक्स में आकर के आपसे इस्लाम के बारे में पूछता है, किसी आलिम का नंबर दे दो, अपने घर के किसी जेंट्स का नंबर दे दो, आप इनसे बात कीजिए, मैं नहीं जानती इस्लाम के बारे में। वहां से बात शुरू होती है, पहले वो इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन लेता है, फिर धीरे धीरे तारीफ करना, माशाल्लाह आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, कि आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, मोबाइल नंबर मिल सकता है, फिर वहां से चैटिंग शुरू होती है, फिर बातचीत होने लगती है। और जाहिर है शैतान इस तरीके के मामलात में बहुत एक्टिव होता है। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मर्द और एक औरत जब अकेले में होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, तो भाई मैसेंजर पर भी तीसरा शैतान होता है, इंस्टाग्राम पर भी तीसरा शैतान होता है, व्हाट्सएप पर भी तीसरा शैतान होता है, तो एक गैर महरम मर्द से इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे जो ये चैटिंग होती है ना, यहां से बात शुरू होती है। याद रखो मेरी बहनों,
फेसबुक पर अपने आप को आपका मुसलमान भाई कहने वाला भी आपका हकीकी भाई नहीं है, उसको भाई की तरह ट्रीट मत करो। अरे इस्लाम तो इतना सख्त है इस मामले में, आपकी खाला का बेटा, आपके मामू का बेटा, आपके चाचा का बेटा, जिसको आप कजिन ब्रदर कहती हैं, इस्लाम की नजर में कोई कजिन ब्रदर ब्रदर नहीं है। खाला का लड़का, मामू का लड़का, चाचा का लड़का, फूफी का लड़का, ये आपके भाई नहीं है। उनको मुहावरे में आप भाई बोलते अलग बात है, शरीयत की टर्म में वो भाई नहीं है। लड़की जवान हो जाए, खाला के लड़कों से पर्दा करेगी, मामू के लड़के से पर्दा करेगी, फूफी के लड़कों से पर्दा करेगी, चाचा के लड़कों से पर्दा करेगी। ये तालीम दो अपनी बच्चियों को कि तुझे इस फर्क को समझना है, ये माओ की जिम्मेदारी है। बच्चियां जैसे जैसे बड़ी होने लगे उनको सिखाया जाए कौन महरम है कौन गैर महरम है। भाई अल्लाह ताला ने कुरान में खोल करके बयान कर दिया कौन महरम है कौन गैर महरम है। इस्लाम ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है, अल्लाह ने कुरान में बड़ी मोटी मोटी बातें बताई हैं, लेकिन जब पर्दे की बात आई तो अल्लाह ने औरत के दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान में बताया। ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हारा दोपट्टा हमेशा तुम्हारे गरेबान पर होना चाहिए, बाप के सामने भी, भाई के सामने भी, बेटे के सामने भी, तुम्हारा दोपट्टा जहां तहां नहीं होना चाहिए, सीने पर होना चाहिए, गरेबान पर होना चाहिए। ये अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है औरत को दोपट्टा रखने का तरीका, अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। किसी गैर महरम से अगर बात करने की नौबत आ जाए, कुरान क्या कहता है, फला तखदाना बिल कौली फयतमा लदी फी कल्बिही मरदु व कुलन कौलम मारूफा। ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की घरवालियों, किसी गैर महरम से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए, खबरदार खबरदार, तुम्हारी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदाज में अपील नहीं होनी चाहिए, सामने वाले के दिल में क्या है तुम नहीं जानती, तुम मीठे अंदाज में अगर बात करोगी सामने वाला कुछ गलत सोच सकता है, बात को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए ऐसे टाइट अंदाज में बात करो कि सामने वाले के अंदर अगर उम्मीदों का पौधा निकल भी रहा है तो खत्म हो जाए। जो इस्लाम एक गैर महरम से मिठास के साथ, लचक के साथ बात करने की तालीम नहीं देता, मेरी माँ और बहनों, वो इस्लाम सोशल मीडिया और इंटरनेट और इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए लंबी लंबी गैर महरम लड़कों के साथ चैटिंग करने की इजाजत कैसे दे सकता है। यहीं से जिना की शुरुआत होती है। अपनी बच्चियों पर आप इस मामले में भी नजर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भी इसी समाज में रहता हूं, बड़े करीब से मुशाहदा करने का मौका मिलता है। बाज ऐसे घरों की लड़कियों को मैंने देखा, माशाअल्लाह दीनदार घराना है, लड़की हमेशा नकाब में निकलती है और बड़ी सख्ती है लड़कियों के मामले में। उन घरों की 12-12 साल की लड़कियां, 13-13 साल की लड़कियां जो अभी यानी जवानी की सरहदों पर पहुंची हैं, अभी स्कूलों में क्लास 6 में क्लास 7 में पढ़ रही हैं, वो लड़कियां भी, उनके भी इंस्टाग्राम पर उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनसे चैटिंग होती है, उनसे मुलाकातें तक करने वो लड़कियां अपने घरों से जाती हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे करके, झूठ बोल करके उनसे मुलाकात। ये हालात है, ये ग्राउंड लेवल के हालात है, ये जमीनी हालात है। लड़कियों की तरबियत करना बहुत बड़ा इम्तिहान बनता चला जा रहा है, और नबी ने इसको इम्तिहान कहा भी, लड़की की परवरिश करना इम्तिहान है, हकीकत में इम्तिहान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाजिहिल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला लड़की दे करके आजमाता है, उसका इम्तिहान लेता है, और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती है। अगर इस इम्तिहान में खरे उतर गया, बेटी की तरबियत में आपने कोई कमी नहीं रखी, अपनी तरफ से आपने अपना हक अदा किया, आपके लिए जन्नत है। लेकिन सुन लो, अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत के मामले में लापरवाही की है, बेटियों पर नजर नहीं रखी, बेटों पर नजर नहीं रखी, आपने अपनी औलाद से दुनिया के मामलात में तो बड़ी आपने नजर रखी, बेटा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, बेटी स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है, दुनिया के मामलात में आपने नजर रखी, लेकिन दीन के मामले में अगर आपने नजर नहीं रखी, तो बड़ी खतरनाक वार्निंग भी अल्लाह के नबी ने दी है।
हमने आज तक ये हदीस तो सुनी है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमने ये हदीस तो सुनी है बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर शायद ये हदीस आपने न सुनी हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्म यमूतु यहुम यमूतु, और फिर वो इंसान मर जाए इस हाल में, वहुआ काशुन ले रईयत ही, कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, उसने बाप होने का हक अदा नहीं किया, उसने माँ होने का हक अदा नहीं किया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना, ऐसे इंसान के लिए जन्नत हराम हो जाती है। मेरी माँ और बहनों, अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत का हक अदा नहीं किया तो जन्नत हराम भी हो सकती है आपके लिए। ये बहुत खतरनाक वार्निंग है ये हदीस, हमें और आपको औलाद के मामले में बहुत अलर्ट रहने की तालीम। बच्चियां जवान हो जाएं, बिला जरूरत घर से निकलना उनके लिए मुनासिब नहीं। लड़कियों को जॉब करना धीरे धीरे फैशन बनता चला जा रहा है। लड़की ने पढ़ लिया, अब पढ़ाने जा रही है, कहां पढ़ा रही है? स्कूल में। जहां जिस स्कूल में वो पढ़ा रही है वहां 5 लेडीज हैं, 10 जेंट्स हैं। जेंट्स के साथ उठना बैठना और इंटरेक्शन हो रहा है। अब नबी की वो हदीस फिर यहां फिट कर लो, एक मर्द और एक औरत अगर तन्हाई में है, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो और वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी औरत हो, अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलेंगे तो तीसरा शैतान होगा। आज स्कूलों में, कॉलेज कैंपस में और वर्किंग प्लेस में जहां लड़कियां काम करने जाती हैं और वहां मर्द भी काम करते हैं, वहां ये हालात पैदा होते हैं और बहुत सारे फितने जन्म लेते हैं। इसलिए लड़कियों का जॉब करना पर्दे में रह करके जायज है। अगर ऐसी जगह जॉब है जहां मर्दों के साथ उनका मामला नहीं हो रहा है और घर से पर्दे में निकलती हैं, वहां कोई बेपर्दगी नहीं हो रही, जायज है, मगर ये बेहतर नहीं है। ये मजबूरी में आप जहां मान लो कोई औरत बेवा हो गई, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, अब वो काम करे, लेकिन नॉर्मल हालात में औरत से जॉब कराई जाए ये मुनासिब है। कमा के लाना आपकी जिम्मेदारी है। कितने घरों में जहां लड़कियां काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, लड़कियों की उम्र निकल रही है, बाप शादी नहीं कर रहा है क्योंकि बाप बेटी की इनकम खा रहा है। बास घरों में मैंने देखा लड़की कॉलेज में जा रही है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, 25-30 हजार रुपया स्कॉलरशिप मिल रही है, लड़की की उम्र 24 साल हो गई, 28 साल हो गई, 30 साल हो गई, स्कॉलरशिप मिल रही है, 25-30 हजार महीने का मिल रहा है, बाप शादी नहीं कर रहा है, शादी हो जाएगी तो ये पैसा मेरा खत्म हो जाएगा, तो जब तक पैसा मिल रहा है तब तक शादी नहीं कर रहा है। ये बेगैरती है मेरे भाई, ये दयूसियत है, और हम इस दयूसियत को अपने घर में कमा के लाना बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है, ये लड़कियों का काम नहीं है। बिला जरूरत वो घर से बाहर ना निकले। वकरन फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, तुम इज्जत के साथ, तुम वकार के साथ अपने घर में रहा करो। आपके मऊ के बहुत बड़े शायर थे फजा इब्ने फैजी, उनकी एक नज्म है खातून इस्लाम के नाम से, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर कहा कि तू चरागे खाना थी अब रौनक महफिल हुई, तू चरागे खाना थी अब रौनके महफिल हुई, दे के तूने दे के गौहर कर लिए, तूने खजफ रिज़े कबूल, तूने कीमती पत्थर को देकर के कंकर ले लिए, इस्लाम ने तुझे घर की जीनत बनाया था, तुझे बेहतरीन माँ का रोल दिया था, तुझे बेहतरीन बीवी का रोल दिया था, तुझे इज्जतदार बेटी का रोल दिया था, और तूने क्या किया, तू मर्दों की हवस का निशाना बनने के लिए कभी हवाई जहाज में एयर होस्टेस बन गई, कभी किसी रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पर बैठ गई, किसी मॉल में मर्दों को सामान बेचने लगी, तेरी खूबसूरती को मर्दों की हवस मिटाने का जरिया बना दिया गया, तूने कीमती गौहर देकर के पत्थर कबूल कर लिए, अरे औरत तूने कितना घाटे का सामना किया। तो बिला जरूरत औरतें घर से बाहर, जॉब वगैरह कराना मुनासिब। इसी तरीके से आज इर्तिदाद के जो ये केस बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का भी कि हमारी लड़कियों और औरतों के अंदर दीन की मालूमात ना के बराबर है। आप ये देखिए, आपकी लड़की स्कूल में पढ़ रही है, वहां उर्दू के नाम पर 2-4 किताबें, अगर अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उर्दू के नाम पर 2-4 किताबें पढ़ती है, वो दीन नहीं पढ़ती।
स्कूलिंग पूरे सिस्टम में उसने इंटर कर लिया, उसने बीए कर लिया, उसने एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, उसने मेडिकल का एंट्रेंस पास कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, उसने दीन नहीं पढ़ा। दीन कौन बताएगा मेरे भाई? कब्र में नहीं पूछा जाएगा तुमने नीट का एग्जाम पास किया कि नहीं पास किया। कब्र में नहीं पूछा जाएगा तुमने ट्वेल्थ में साइंस का एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था। कब्र में तीन सवाल पूछे जाएंगे, मन रब्बों का, मन नबियों का, मां दीनों का। तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या? और इन तीनों सवालों का जवाब कुरान और हदीस में मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अभी हमारे बाबू सालार के इलाके से भी लोग आए हैं, वहां औरतों के लिए मुसल्ला कायम हो रहा है। आजमगढ़ के इस खित्ते में बहुत सारी अहले हदीसों की बस्तियों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। और अगर अब भी हम नहीं जागे तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। हर मस्जिद में जहां जुमा का खुतबा हो रहा है औरतों का इंतजाम होना चाहिए। और अल्लाह ने नवाजा है, ये मत कहिए आप, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर इलाके के लोग तज लें, अगर इलाके के लोग इरादा कर लें, बाहर के किसी चंदे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इलाके के लोग काफी हो जाएंगे। हर मस्जिद में औरतों का मुसल्ला होना चाहिए, उनका इंतजाम होना चाहिए। और सिर्फ इंतजाम ना हो, आप अपने घर की औरतों को भेजिए जुमा के खुतबे में। सिर्फ 60 साल वाली बूढ़ी सास ना जाए, 25 साल वाली बहू भी आए, 20 साल वाली बेटी भी आए। उस दिन जुमा के दिन खाना थोड़ा लेट बन जाए चलेगा, थोड़ा जल्दी पक जाए चलेगा, लेकिन बहू भी जाए, सास भी जाए। ये 52 जुमे होते हैं साल में, ये 52 आधा आधा घंटे के जुमे की जो खुतबे होंगे ना, ये आपके घर की लड़कियों को दीन सिखाएंगे। और एक चीज और करने की है कि हर मस्जिद में आप अच्छे मौलवी साहब को, हाफिज साहब को तनख्वाह पर आप मकतब कायम करें। वहां आपकी वो बच्चियां और बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा निसाब हो मस्जिद के मकतब में कि साल दो साल में वो लड़की और वो बच्चे बच्चियां वो कुरान भी पढ़ लें, नमाज का तरीका भी सीख लें, दीन की मोटी मोटी बातें भी सीख लें। उसके बाद वो स्कूल को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत की तफसीर करते हुए हजरत अली कहते हैं अल्लिमूहुम वअद्दिबूहुम, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, अदब सिखाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन सका, कम पैसे कमाएगा, डॉक्टर नहीं बन सका, ठीक है कुछ कम पैसे कमाएगा, कुछ प्रॉपर्टी कम बनेगी। आपका बेटा बिजनेसमैन नहीं बन पाया, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि दुनिया बहुत कामयाब नहीं होगी, लेकिन आपने सब बना दिया, दीनदार नहीं बना सके, दीन का इल्म नहीं दे सके। तो कल जब आप मरेंगे ना, आपका बेटा इस लायक भी नहीं होगा कि आपके जनाजे पे खड़े होके आपकी मगफरत की दुआ कर सके। ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना बेहतर है कि अगर हमारी औलाद इस लायक भी नहीं है कि हमारे जनाजे की नमाज में खड़े होके अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ कर सके। अपने बच्चों को कम से कम इस लायक तो बनाओ, मत बनाओ आलिम, मत बनाओ हाफिज, मत बनाओ, लेकिन कम से कम उनको दीन की इतनी नॉलेज तो दो। अभी कलकत्ता से खातून का मेरे पास फोन आया, कहने लगी मेरा शौहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे शौहर ने बनाई है नाजायज पैसे की, रिश्वत के पैसे की। मेरा बेटा इंजीनियर है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, दीनदार है, पांचों टाइम का नमाजी है, और मेरे बेटे ने कह दिया है कि उस बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी जो नाजायज पैसे से बनी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो खातून मुझसे मसला पूछ रही थी उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये देखिए कि वो लड़का इंजीनियर है, दुनियावी एतबार से बेहतरीन पैसा भी कमा रहा है, लेकिन दीन का इतना बड़ा जज्बा है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो हराम पैसे की है उसे छूने के लिए तैयार है। ये तरबियत का असर है मेरे भाई, आपकी तरबियत। मेरी माओ आप अपनी बच्चियों की सही तरबियत करेंगी, मेरे भाइयों आप अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे, ये बच्चे कभी मुर्तद नहीं होंगे। आपकी तरबियत कहीं ना कहीं कमजोर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप के साये से दूर रहते थे, मक्का में रहते थे, बाप तो इराक में रहते थे, फलस्तीन में रहते थे बाप। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश किया है उनकी मां ने, हजरत हाजरा ने। और जब इस्माइल जवान होते हैं और अल्लाह का हुक्म होता है हजरत इब्राहिम को कि जाओ अपने बेटे को जबा कर दो, ख्वाब में दिखाया गया ये मंजर, हजरत इब्राहिम आते हैं अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, मेरे बच्चे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ, मेरे बच्चे तेरी क्या राय है। आज का बेटा होता कहता कि
आपने पहली बात तो ये कि आप मुझसे दूर रहते हैं, बाप होने का आपने हक अदा नहीं किया, और आज आप मुझे आए मेरी जान लेने की बात कर रहे हैं आप। आज का बेटा होता तो 100 बदतमीजी की बातें सुना देता, मगर वो इस्माइल थे। قال يا ابتي فعل ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين। अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, आपका बेटा इंशाअल्लाह सब्र करने वाला होगा, आपका बेटा उफ नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल का ये जवाब उनकी मां की तरबियत का नतीजा था, इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो अपने घर का माहौल दीनदारी वाला, घर में बच्चियां हैं तो घर में महरम गैर महरम का फर्क होना चाहिए। हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को तोड़ना, इसको इकट्ठे खत्म करना आसान नहीं है। हमारे हमारी नसों में, हमारी रगों में दौड़ रहा है वो निजाम। हिंदुस्तानी जिस सिस्टम में हम रहते हैं, वह सदियों से इस निजाम में हम रहते चले आए। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को खत्म कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली सिस्टम में एक फर्क है। ज्वाइंट फैमिली में माँ बाप साथ में रहेंगे, और सेपरेट है तो माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है। इस्लाम में ना ऐसा सेपरेट सिस्टम सही है, ना ऐसा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम सही है। इस्लाम तो ये कहता है बच्चे शादीशुदा हैं, बच्चे अलग खाएं, अलग पिए, उनका किचन अलग हो, उनका कारोबार अलग हो, लेकिन बाप का और माँ का जो हक है वो पूरा अदा करें। तो अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अब देवर है, भाभी है, देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक चल रहा है। बड़ा भाई बाहर काम कर रहा है सऊदी में, कतर में, या जवान भाई उसकी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहा है, क्या ये फितने को दावत नहीं दे रहा है? कितने घरों में फितने हो रहे हैं। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आजमगढ़ और मऊ के इस इलाके में बड़ी तादाद में लोग बाहर काम करते हैं, मसाइल है लोगों के साथ, लेकिन शादी के पहले आप बाहर काम कीजिए, और शादी के बाद अगर आपको बाहर रहना है तो या तो आप ऐसी नौकरी कीजिए जिसमें आप फैमिली को लेकर के रहिए, वरना आप फैमिली के बगैर मत रहिए। जिन घरों में बच्चियां बाप के साए से महरूम रहे, जिन घरों में शौहर के साए से बीवियां दूर रहे, उन घरों में बहुत सारे फितने जन्म लेते हैं मेरे भाइयों। ये आप अपने घर को फितने की आग में छोड़ रहे। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आज इर्तिदाद का ये मसला पनप रहा है, और बड़ी तेजी से ये मामला आगे बढ़ रहा है, और दुश्मनों की बाकायदा प्लानिंग चल रही है, और बड़ी तेजी से हमारी मुसलमान बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको सिर्फ जज्बाती रंग में इसको न लें, इसको वाकई में गौर करके, संजीदगी से सीरियस होकर के इस मसले पर गौर करें, और जो इसकी रोकथाम के तरीके हो सकते हैं उस पर हम उस पर अमल करें। और आखिर में यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि हम तारीख के बड़े बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, यानी आज वो हालात हैं कि हमें अपनी बेटियों को यह बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, तुम इस्लाम को छोड़ के मत जाओ। हमने तो तारीख में हजरत सुमैया का वाकया पढ़ा था कि जिनके जवान बेटे के सामने उनको नंगा कर दिया गया, मगर इस असीयत को उस मां ने गवारा कर दिया, मगर अपना ईमान नहीं छोड़ा। बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया गया, बड़ी बेहयाई और बड़ी बेरहमी के तरीके से सुमैया को कत्ल कर दिया गया, सुमैया ने जान दे दी, मगर इस्लाम नहीं छोड़ा। हमने तो सुमैया की तारीख पढ़ी थी मेरे भाइयों, आज इस तारीख के किस मोड़ पे हम चले आए हैं कि आज हमें अपनी कौम की बेटियों को यह बताना पड़ रहा है कि इस्लाम को छोड़ के मत जाओ, इस्लाम बहुत अच्छा था। अरे हम गरीबों के पास कुछ ना हो मेरे भाई, हमारा कैपिटल हमारा ईमान है, हमारी पूंजी हमारा ईमान है। हम दुनिया में झोपड़ी में रह लें, हम रूखी सूखी रोटी खा लें, लेकिन कल रब की बारगाह में जब रब पूछे क्या लेके आए हो, हम ये कह दे अल्लाह तेरी तौहीद लेके आए हैं, तेरा ईमान लेके आए हैं, हम कामयाब हो जाएंगे मेरे भाई। और जमीन भर के सोना भी अगर हम अल्लाह की बारगाह में लेके आ जाएं, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फारुन फलन युक्बला मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ ज़हबा। ओ लोगो, अगर ईमान के बगैर तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, कुफर की हालत में आओगे, जमीन भर के सोना भी अगर लेके आओगे, तुम्हारा सोना कबूल नहीं किया जाएगा। जमीन भर के सोना देकर के भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते।
आइए अल्लाह से हम दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें अपने घरों के माहौल को बचाने की अपने घर अपने बच्चों के ईमान को बचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने बेटे बेटियों की सही तरबियत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी वो बहनें जो किसी भी धोखे में आकर के ट्रैप में आकर के आज मुर्तद हो गई हैं अल्लाह उनको मरने के पहले हिदायत के रास्ते पर वापस आने की तौफीक दे दे। एक बड़ी अच्छी नज़्म मैं इंटरनेट से नोट करके लाया था लेकिन हमारे अजीज सैद साहब ने एक नज़्म चूंकि पढ़ दी तो मैंने उसको पढ़ने का इरादा कैंसिल कर दिया, फिर कभी किसी मौके से इंशाल्लाह आपके सामने पढ़ेंगे। आज सुना दे, चलिए सुना दे, सुन लीजिए भाई शेख अब्दुल्ला साहब की फरमाइश। जो लड़कियां हमारी मुर्तद हो रही हैं उनका अंजाम क्या हो रहा है उस पर ये बड़ी अच्छी नज़्म है। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी, तुम फिरोगी दर बदर रुसवाई और जिल्लत के साथ, तुम फिरोगी दर बदर रुसवाई और जिल्लत के साथ, बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी, बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी। ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल, ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल, कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी, कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें, कितने वाकयात हो रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया, बेच दिया गया। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें, दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी, दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। जिसके दम पे घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, जिसके दम पे घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, सोच लो किस सिमत फिर तुम पांव भारी जाओगी। इज्जत अजमत गंवा कर मुंह दिखाओगी किसे, इज्जत अजमत गंवा कर मुंह दिखाओगी किसे, करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी, करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी। उतरेगा थोड़े दिनों में जब जवानी का नशा, उतरेगा थोड़े दिनों में जब जवानी का नशा, जुल्म की आगोश में जब बारी बारी जाओगी। और उसके बाद कौन कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी। है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियो, है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियो, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ्फतो शर्मो हया अपनाओ तुम, प्यारी बहनों इफ्फतो शर्मो हया अपनाओ तुम, देखना फिर नूरे हक से तुम निखारी जाओगी। आह दोजक को खरीदा तुमने ईमा बेच कर, आह दोजक को खरीदा तुमने ईमा बेच कर, आह अब रोजे जजा तुम बन के नारी जाओगी, नारी मतलब जहन्नमी, आह रोजे जजा तुम बन के नारी जाओगी।
और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद, रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद, गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ खारी जाओगी, गर न संभली गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ खारी जाओगी। अल्लाह ताला हमारी बहनों और बेटियों को सही समझ अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह असल जज़ा। आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है, और एक बार फिर ये ऐलान हो रहा है कि जैसे ही आप यहाँ से बाहर जाएंगे, बाएं हाथ पे वहाँ हमारे नुमाइंदे मौज़ा बाबू सलार के मस्जिद के ताउन के सिलसिले में मौजूद हैं, आप भरपूर उनका ताउन करते जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये अजर आपका ज़ाय और बर्बाद नहीं होगा, इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखरत में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आप तमाम हजरात का मौलाना मोहम्मद आदिल साहब फैजी कन्वीनर इजलास आम इस्लाह मुआशरा मौदा चाँद पार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।